अब देखिए बात करते हैं सेंधमारी की अखिलेश यादव की नई तैयारी क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सपा की जो तैयारी है वो फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है। भाजपा के मंत्री विधायकों का सपा में आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसी बीच आज अखिलेश यादव एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव लखनऊ के सपा दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं और आज इमरान मसूद अपने सहयोगियों के साथ सपा में औपचारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर है। और इसके अलावा हो सकता है कि आज भी कुछ लोग सपा ज्वाइन करें, ये जानकारी मिल रही है कि आज भी हो सकता है बीजेपी के कुछ चेहरे समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, इसको लेकर भी लगातार नजर है। जो सेंधमारी की तैयारी अखिलेश यादव की, जो नंबर वाला बवंडर है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि हर गुजरते दिन के साथ क्या बड़ा करने वाले हैं अखिलेश यादव। और आज जानकारी ये मिल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर सकते हैं और उसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र वो करेंगे, इमरान मसूद को लेकर भी जानकारी है। चलिए इसी को लेकर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं, सेंधमारी की नई तैयारी क्या है वो आप समझिए। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इमरान मसूद समर्थकों के साथ शामिल होंगे औपचारिक तौर से समाजवादी पार्टी में और कुछ दूसरे बागियों की भी ज्वाइनिंग होगी ये कहा जा रहा है। और जानकारी ये कि भाजपा के कई बागी सपा में शामिल हो चुके हैं पहले ही और इस्तीफा देने वाले 3 मंत्री में से 2 शामिल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी में। कल की तस्वीरें सबसे पहले हमने आपके सामने रखी थी जब 3 मंत्रियों में से 2 ने औपचारिक तौर से समाजवादी पार्टी का दामन थामा और दारा सिंह चौहान, खबर यह है कि 16 जनवरी को शामिल होंगे, यानी कि कल के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो समाजवादी पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। इससे पहले धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीरें आपने देखी थी। अब देखिए आज का दिन भी बहुत अहम है, इमरान मसूद औपचारिक तौर से शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ जो कुछ और चेहरे हैं जिनको लेकर बार बार सिग्नल देते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोग और शामिल हो सकते हैं। इसी पर जानकारी लेते हैं, लखनऊ से विवेक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विवेक, आज का दिन भी बहुत अहम होने वाला है, अब कहां पर जाकर के ये नंबर गेम रुकने वाला है अखिलेश यादव का, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, आज क्या कुछ होगा जरा बताएं विस्तार से। बिल्कुल दीपा, आपने सही कहा, आज का दिन भी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और पिछले 3 दिन से लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर प्रदेश में सबसे ज्यादा भीड़ किसी भी राजनीतिक दल को अगर हम देख लें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, सन्नाटा छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सारी बैठकें टिकटों को लेकर जो हुई वो दिल्ली में हुई, लखनऊ में जो इनका प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर इक्का दुक्का नेता और कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पिछले 4 दिनों से लगातार सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़, पूरे प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, जो टिकटार्थी हैं उनकी भीड़ लगी हुई है और लगातार वो साबित भी कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं फील्ड पर, क्योंकि रोज कोई ना कोई भाजपा का मंत्री या विधायक इस्तीफा देके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर रहा है। कल अखिलेश यादव ने बड़ा कार्यक्रम किया था मकर संक्रांति को, 8 लोग शामिल हुए थे भाजपा के, जिसमें 2 मंत्री थे, एक मंत्री दारा सिंह चौहान के शामिल होने की चर्चा चल रही है, वो भी आज या कल में ज्वाइन कर सकते हैं। इमरान मसूद की भी 3 दिन से चर्चा चल रही है कि वो यहाँ पर आएंगे, अखिलेश यादव के साथ यहाँ मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, मुलायम सिंह से मिलेंगे, उसके बाद औपचारिक घोषणा होगी पार्टी में शामिल होने की। इमरान मसूद मुलाकात कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ सीटों को लेकर बातचीत ऐसी बन नहीं पाई है कि वो अपनी घोषणा कर दे। तो आज महत्वपूर्ण बात यह कि 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश ने कहा, कल अपने भाषण में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी स्ट्रेटेजी समझ नहीं पाई, रोज एक भाजपा का बड़ा नेता इस्तीफा देगा, जो उनसे जुड़े हुए हैं पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं या विधायक हैं, उन्होंने कहा रोज एक इस्तीफा आएगा और रोज एक आदमी पार्टी में समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा, ये स्ट्रेटेजी है और ये लगातार चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार ये चलेगी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12:30 बजे, उसमें वो कोई घोषणा कर सकते हैं, बड़ी घोषणा कर सकते हैं कि कोई और नेता कोई आ रहा है अगर, या कितने नेता आएंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी, जो दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव होना है उसके लिए टिकटों की घोषणा भी कर सकते हैं कि कितने टिकट कितने लोगों को दिए जाएंगे, उसमें से जो गठबंधन के लोग हैं वो कितने लोग हैं, उनकी पार्टी के कितने टिकट मिलेंगे, उनकी पार्टी के विधायक कार्यकर्ता कितने इस चुनाव में भागीदारी करेंगे, हिस्सेदारी करेंगे सक्रिय रूप से, क्योंकि यहाँ पर तो मजमा लगा हुआ है, अभी सुबह का समय है, नहीं तो
आप एक घंटे बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर हजारों की भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी। और लखनऊ में डेरा डाले हुए कई दिन से, हफ्ते भर से करीब यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। बिल्कुल बड़ी संख्या में विवेक पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता समर्थक, और जितना इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने वाले अखिलेश यादव, जितना इंतजार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को है, उससे ज्यादा यकीन मानिए इंतजार बीजेपी वालों को होगा। धड़कने उनकी बड़ी हुई है कि आज कौन सा उनका विकेट गिरने वाला है। फिलहाल लगातार नजर रहेगी इसी बड़ी खबर पर, क्या कुछ बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं, इस पर भी लगातार आपसे जानकारी लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए।